कल रात यहाँ पहुँचने के बाद मैं इतना थक गया कि भैया के यहाँ पे मैंने वो दाल चावल खाए, दाल चावल खाने का टेंट लगाया और सो गया। पूरी रात जो बॉडी ने मेरे को पूरे दिन की थकान दिया ना, पेन दिया है, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरी आँखें बहुत भारी हो रही है इस टाइम पे। ऐसा नहीं कि नींद आ रही है, नींद भी नहीं आ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। आपको तो पता ही कि अपन ट्रैक वगैरह कर नहीं रहे लगभग 2-3 साल से, तो बॉडी उस टाइप की अभी डेवलप है नहीं। आज का एडवेंचर आलू पराठे के साथ शुरू हो रहा है, देखते हैं कि ख़त्म कहाँ होगा। तो आज का ब्लॉग फिर यहीं से शुरू करते हैं, इन खूबसूरत नज़ारों के साथ, पहाड़ी के साथ, वाटरफॉल के साथ, वाटर पॉन्ड के साथ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद। तो कल जब मैं ट्रैक स्टार्ट कर रहा था तो ये भाई लोग मुझे छोड़ के आगे निकल गए और अभी ये लोग रिटर्न आ रहे हैं। तो कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस? अमेजिंग, बढ़िया। एक बार अपना नाम बता दीजिए। सो माय सेल्फ अक्ष। मनीष। अक्षांश डडवाल। विशाल। तो आप लोग कहाँ से हैं? अलग अलग जगह से, हिमाचल के अलग अलग जगहों से हैं। मतलब बेसिकली हिमाचल से ही है सारे लोग। तो आप लोगों को तो ईजी रहा होगा ट्रैक करना ना, रेगुलर चलने की आदत है। तो ऊपर का कैसा था एक्सपीरियंस नाइट का? बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। स्टार्स बहुत अच्छे से बॉनफायर किया। और ठंडा ठंडा कितना था? माइनस में चला गया था रात को, तो माइनस में दिक्कत हो रही थी सोने में। तो यही मुझे ना ढाबे वाले भैया बोल रहे हैं कि अपना सामान आप यहीं छोड़ जाओ, सिंपल वॉक करके ट्रैक कराओ और ऊपर से आप ना विजिट करके करीरी लेक यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि आज बारिश भी हो सकती है और साथ में ऊपर वेदर भी और ज़्यादा ठंडा होगा। तो मैं भी वही डिसाइड कर रहा हूँ कि करना क्या है, लेकिन मन में जो है वो मैं सोच रहा हूँ कि अपना बैग पैक लेके जाता हूँ और यू नो नेचर को फील करना है। जब तक हार्ड वेदर नहीं होगा, झेलने लायक नहीं होगा, तब तक मज़ा नहीं आएगा। देखता हूँ, अभी चाय पी रहा हूँ, चाय पीने के बाद डिसाइड करता हूँ कि करना क्या है। तो अभी ढाबे से मैं लगभग 500 मीटर के आसपास ऊपर की तरफ चढ़ के आया हूँगा। उसके आने के बाद भैया क्या खूबसूरत जगह दिख रही है भाई, मतलब दिल छू गई ये वाली प्लेस। अब तक का ना सबसे बेस्ट पॉइंट है ये वाला।
अगर आप मिड सेगमेंट में आ रहे हो ना तो सजेस्ट करूँगा नीचे ना रुकने की जगह बस आप 500 मीटर ऊपर चढ़ के आना, आपको ये ब्यूटी देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पे जब आप रात बिताओगे, अमेजिंग यार, अमेजिंग। लेकिन पीछे की तरफ एक ढाबा है, वो बंद पड़ा है, ये लास्ट ढाबा था जो ओपन था, अब सीधा मुझे लेक पर ही मिलेगा। बहुत खाई है भाई साहब, बहुत ज़्यादा खाई है। अभी मैं आपको जो नीचे से क्लाइम करने के लिए बता रहा था, उसके बाद दो बार क्लाइम हो रहा है सेम हाइट का, तो ऊपर चढ़ के आया हूँ और अभी हम लोग बहुत ज़्यादा हाइट में आ गए और मेरे निकल रहे हैं पसीने। पसीने के साथ साथ बारिश भी शुरू हो गई है, मतलब अच्छी खासी स्पीड है कि अगर थोड़ी देर में खड़ा हो जाऊँ बाहर तो गीला हो जाऊँगा। तो अभी आगे देखता हूँ, कुछ अगर प्लेस मिलता है तो कैमरे को सेव करता हूँ, फिर उसके बाद अपन रेन लाइनर भी पहन लेते हैं। तो लगभग 300-400 मीटर चलने के बाद एक छोटा सा ढाबा मिल गया। यहाँ ढाबा पे पहुँचते ही थोड़ी सी राहत मिली है, गर्मा गर्म चाय पी रहा हूँ। चलते हुए ट्रैक का पता यही फ़ायदा होता है कि आपको ना सहूलियत मिलती रहती है, आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर इस ट्रैक पर अगर कोई नहीं होता तो भैया बैंड बजती, फिर तो सेल्फ डिपेंडेंट ही बनना पड़ता, और जिस हिसाब से बारिश अभी पड़ी है तो गीला होना बनता ही था। तो ऐसे सर्द भरे माहौल में गर्मा गर्म चाय की चुस्की बहुत राहत दे रही है, और अभी मेरी ना जीभ लड़खड़ा रही है ठंड की वजह से, मुझे कुछ ना कुछ पहनना पड़ेगा अदरवाइज ठंड लग जाएगी। जंगल के बीच में अकेला हूँ, अभी कोई दिख भी नहीं रहा है, ना आगे ना कोई पीछे। बारिश पड़ना बहुत तेज़ हो गई थी तो बीच में जैसे शेल्टर पड़ रहे थे वहाँ पे रेन लाइनर पहना, बैग को लाइनर पहनाया और अब अपन ऊपर की तरफ चल रहे हैं। इस टाइम पे पता है कि सांस ज़्यादा फूल रही है, क्योंकि जब हम लोग चलते तो बॉडी वार्म होती है, पसीने निकलते हैं और हवा जब लगती है तो उससे ऑक्सीजन से ही मिलती है। लेकिन अभी ये रेन लाइनर पहनने के बाद
बॉडी को तरीके से हवा लग नहीं पा रही है तो थकान ज़्यादा हो रही है। बस ऑलमोस्ट 70% ट्रैक कंप्लीट हो गया ऑल ओवर, 30% बचा है और दोपहर के बज रहे 3, लेकिन वेदर देख के लग रहा है कि शाम के 5-6 बज रहे होंगे। तो मुझे कैसे भी करके 30% ट्रैक 1 घंटे में कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि प्योर नेचर के बीच में कहीं से भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। माई गॉड, मतलब इतनी मेहनत करने के बाद जो मेरी आंखों के सामने नज़ारा है यार, क्या बताऊँ आपको। मतलब मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि माउंटेंस मुझे इस तरीके से देखने को मिलेगा यहाँ पहुँचने के बाद। बारिश हुई, अच्छा हुआ बारिश हो गई, बारिश होने के बाद ना शक्ल ही बदल गई। तो मुझे पता बहुत सोच रहे कि अपनी बकवास बोल रहा है, इतनी बकवास बोल रहा है, व्यू क्यों नहीं दिखा रहा है। आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखो अभी तो पहली झलक है, इसके बाद जब आगे जाऊंगा ना बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट नज़ारा नज़र आने वाला है। स्नो कैप माउंटेन दिख रहे हैं, ग्रीन कैप माउंटेन भी दिख रहे हैं, मतलब वो हर एक चीज़ दिख रही है यहाँ आने के बाद जो सोचा भी नहीं था मैंने। चलो थकान तो हुई है लेकिन मज़ा आ गया। अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं और पेट पूजा करते हैं। तो भैया पहुंच गए थे हम लोग करीरी लेक, और लेकिन मेरे को लग रही थी भूख, बीच में हमने कुछ कुक करके खाया नहीं। वैसे भी ये वाला जो ट्रिप था इसमें मैंने सिर्फ इमरजेंसी फूड अपने साथ कैरी किया हुआ था, और यहाँ पे जब फैसिलिटीज़ अवेलेबल है तो क्यों ना उनको यूज़ किया जाए। तो अभी भी मेरे को लग रही थी भूख, तो यहाँ पे लिए मैंने दाल चावल। तो फटाफट इनको खाते और पेट को आराम देते हैं, क्योंकि पूरा गीला हो गया हूँ, कपड़े भी गीले हो गए, जूते भी गीले हो गए, सॉक्स भी गीले हो गए, बैग भी गीला हो गया है, तो इसलिए थोड़ी देर बैठना बनता था। और अच्छा होता है कि जब ऐसे ट्रैक पे आते हो तो ऐसी फैसिलिटीज अवेलेबल हो तो बेस्ट रहता है। तो अभी थोड़ी सी देर हुई है मुझे आए हुए, बारिश दोबारा से शुरू हो गई, बीच में बस थोड़ी देर के लिए बंद हुई थी जितने में मैं यहाँ पहुँचा। पत्थर के पीछे छुप के मेरे को बारिश से बचना पड़ा। मज़ा ही आ गया भाई, गर्मा गर्म। तो दाल चावल खा के मैं थोड़ा ऊपर की तरफ आ गया हूँ। और एक चीज़ और है, वैसे तो सोचा था मैं लेक साइड कैंपिंग करूँगा, लेकिन अभी लेक साइड कैंपिंग बंद कर दी गई है बिकॉज ऑफ यू नो प्रोटेक्शन वगैरह। अगर वो साफ़ सुथरी रहेगी, वहाँ पे गंद नहीं फैलेगा, तो यू नो लॉन्ग टर्म चलेगा, काफ़ी टूरिस्ट आके उसे देखेंगे, तो इसीलिए भी वहाँ पे कैंप करना बंद कर दिया है। आप पहले कर सकते हो, शॉप्स वगैरह पड़ी हैं, इनके पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। बाकी जिन भैया के थ्रू मेरे को अभी लोकेशन मिल गई यहाँ कैंप लगाने के लिए, मैं आपको अभी थोड़ी देर में उनसे मिलवा देता हूँ। पहले कैंप सेटअप करते हैं, क्योंकि मेरे को छूट रही है कप कपी, बैंड बज रही है। हमारा कैंप सेटअप लग के रेडी हो गया है, बहुत ही बढ़िया डिसेंट और कंफर्टेबल वाला मैंने अभी सेटअप लगाया है, सिंगल बंदे के लिए एनफ है। बाकी पीछे की तरफ सारी शॉप वगैरह बनी हुई है, और यहाँ पे भी एक नीचे की तरफ कैंप लगा हुआ है, क्योंकि इससे आगे कैंप करना अलाउड नहीं है। आज से 2-2.5 साल पहले जिन लोगों ने कैंपिंग कर ली, लेकिन अब अलाउड नहीं है। और उस तरफ है महादेव जी का टेम्पल,
तो हम लोग सुबह जाके दर्शन करेंगे क्योंकि अभी लेट हो गया है। और आगे के जो नज़ारे हैं, आगे की जो लेक है, वो मैं आपको सुबह दिखाऊंगा। बाकी यहाँ आने के बाद ना, आपको ज़रूरी नहीं आप नीचे से सारा सेटअप वगैरह लेके आओ, आप यहाँ आके ना बोरो कर सकते हो और रेंट ठहरे कर सकते हो। तो ये हमारे बंटी भैया, जिनके थ्रू मैंने यहाँ पे कैंप सेटअप किया है इनके प्लेस पर। तो भैया अगर कोई नीचे से आ रहा है तो थोड़ा सा बता दो क्या क्या चार्जेस रहेगा। देखिए ये हमारा क्रेरी लेक, और ये जो हमारे सैम भैया हैं, इनका ये लास्ट कैंप है यहाँ पे, क्योंकि इसके आगे कैंपिंग नहीं है। तो हमारे पास चार्जेबल है, जैसे कि आप नीचे से आ रहे हैं तो कुछ कैरी करके नहीं आना है, बस अपना कपड़ा वगैरह कैरी करना होता है आपको। और जैसे आप देखो कि यहाँ पे आएंगे तो आपको टेंट भी मिलेंगे, बढ़िया मतलब कम रेट में मिलेगा आपको, जैसे कि 1300 पर पर्सन में आपको, उसमें आपका खाना भी होगा, डिनर भी जो भी है, और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी, आपका कैंप भी सब सेटअप रेडी होगा। उसमें आपको जो भी चॉइस है, जैसे कि आपको कुछ भी चाहिए, जैसे पनीर हो गया, चिकन वगैरह हो गया, आपको उसी में ही आपको इंक्लूड होगा, और उसके साथ गाइड भी आपको इंक्लूड होगा उसके साथ। और मेरा नंबर है 600-55-22-160। सोचा था नीचे जो भाई लोगों ने कैंप लगाया है वो बॉनफायर करके वहाँ जाके थोड़ी देर बातचीत करूँगा, लेकिन बारिश ने सारा मामला ख़राब कर दिया। अब जब तक ये बारिश रुकेगी नहीं, बाहर निकलने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो अभी थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं, क्योंकि बहुत थक गए हैं चलते चलते शूट करते करते। तो आज तो सुबह से ही कंटिन्यू बारिश पड़ रही है, कभी रुक रही है कभी बंद हो रही है, लेकिन जैसे ही टेंट सेटअप करके मैं निपटा, उसके बाद बारिश शुरू हो गई। और मेरे को लगभग लेटे हुए 1 घंटा हो गया है, 1 घंटे से नॉनस्टॉप बारिश पड़ रही है। सोचा था आज बाहर के टाइम लैप्स लूँगा, नाइट टाइम लैप्स, लेकिन जिस हिसाब से बारिश पड़ रही है, पॉसिबल नहीं कि नाइट टाइम लैप्स मैं ले पाऊँ, क्योंकि बादलों से पूरा आसमान भरा होगा, स्टार्स दिखेंगे नहीं, तो वो मज़ा भी नहीं आएगा। बाकी ठीक है, टेम्परेचर अभी चेक कर लेता हूँ, एक्वा टेम्परेचर निकल के मेरे ख्याल से यहाँ पे इस टाइम होगा 5 डिग्री के आसपास होगा अभी टेम्परेचर, इतना डाउन नहीं लग रहा है। बाकी जो हवा चल रही है वो भैया बहुत ठंडी है, वही ज़्यादा हालत ख़राब कर रही है, अदरवाइज़ बिल्कुल ओके। नीचे जो बॉनफायर भैया लगा रहे थे, तो जैसे उनका शुरू हुआ बॉनफायर, तभी बारिश एकदम से चालू हो गई, और अब तो उनकी सारी लकड़ियाँ भी गीली हो गई होंगी, तो अब वो बॉनफायर भी नहीं होगा। चलो होप करता हूँ ये बारिश जल्दी बंद हो जाए, ताकि मैं बाहर का टाइम लैप्स ले सकूँ। तो अगर बारिश रुकी तो टाइम लैप्स लेंगे, नहीं तो फिर आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का एडवेंचर आपको पसंद आया होगा, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो कर लो। कल सुबह यहाँ उठेंगे, आपको आगे लेक दिखाएंगे, लेक के नज़ारे दिखाएंगे, महादेव जी के मंदिर के दर्शन कराएंगे, और जो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। देन फिर अपना बैग उठाएंगे और नीचे की तरफ रवाना हो जाएंगे।